नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और आज हम बात करेंगे एशिया कप की फाइनल फाइट की। जी हां, फाइनल मुकाबले की। एशिया कप अपने अंतिम पड़ाव पर है, कह सकते हैं आज आखिरी मैच। फाइनल मैच के लिए दोनों टीमें मिल चुकी हैं। थोड़ी देर में भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। आखिरी भिड़ंत, खिताबी भिड़ंत। दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में आठवीं बार भिड़ेंगी। ऐसे में दोनों टीमों की नजर एशिया कप का किंग बनने पर होगी। अब तक दोनों टीमों के बीच हुए मैच और 2023 में एशिया कप में दोनों टीमों के परफॉर्मेंस को देखकर कौन मारेगा मैदान, इस रिपोर्ट में देखिए आप। इंतजार होगा खत्म, इंडिया का दिखेगा दम। 5 साल बाद कब्जे की तैयारी, एशिया का किंग बनने की बारी। भूल जाइए भारत और बांग्लादेश के मैच के बीच क्या हुआ था, भूल जाइए हमारे बल्लेबाज धराशायी हो गए थे, भूल जाइए वो सब जो दोनों टीमों के मैच के बीच हुआ। अब बस फाइनल की तरफ नजर रखिए, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल की तैयारी चल रही थी। हर खिलाड़ी को आजमाया जा रहा था, कोहली और बुमराह को रिफ्रेश रहने के लिए आराम दिया गया था। अब जब भारत और श्रीलंका फाइनल मैच जीत के लिए जंग लड़ेंगे, ये जंग कितनी मुश्किल होने वाली है। दोनों टीमों के बीच के आंकड़े क्या कहते हैं, पहले एक नजर उन आंकड़ों पर। भारत श्रीलंका के बीच अब तक 19 फाइनल हुए, दोनों ने 9-9 बार जीत दर्ज की। भारत ने श्रीलंका को 8 बार फाइनल में हराया। भारतीय टीम 7 बार एशिया कप जीती है। श्रीलंका ने 6 बार खिताब अपने नाम किया था। भारत एशिया कप में सबसे ज्यादा सफल टीम है, श्रीलंका दूसरे नंबर पर है। एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं, दोनों के खिलाड़ी भी पूरे फॉर्म में हैं। बस इंतजार फाइनल की जंग का है। ऐसे में एशिया कप के फाइनल में कौन कौन खिलाड़ी कमाल दिखा सकते हैं, आंकड़ों से समझिए। रोहित शर्मा ने 194 रन बनाए हैं, 5 मैच खेले हैं, उनका स्ट्राइक रेट रहा 107 से ज्यादा। शुभमन गिल ने 5 मैच खेले हैं, 275 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 90 से ज्यादा का। केएल राहुल ने 3 मैच में 169 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 89 से ज्यादा का है। विराट कोहली ने 4 मैचों में 129 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 114 से ज्यादा का रहा। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज से लेकर मिडिल ऑर्डर तक के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बता रहा है कि फाइनल में श्रीलंका को इनसे सतर्क रहना होगा। वहीं ईशान किशन और हार्दिक पांड्या भी मौका मिलने पर अपना बेस्ट दे रहे हैं। भारतीय बैटिंग लाइनअप श्रीलंका के लिए खतरे की घंटी है। अब बात श्रीलंका के बल्लेबाजों की। कुशल मेंडिस ने 5 मैचों में 253 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 90 से ज्यादा का है। सदीरा समरविक्रम ने 5 मैचों में 215 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 89 से ज्यादा का है। चरित असलंका ने 5 मैचों में 189 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 74 से ज्यादा का है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि दोनों टीमों के बल्लेबाज रंग में हैं, मतलब साफ है मुकाबला टक्कर का होने वाला है। हालांकि भारतीय गेंदबाज एक बार फिर श्रीलंका के बैट्समैन को परेशान कर सकते हैं। भारतीय गेंदबाजों ने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया है। कुलदीप यादव ने 4 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। रविंद्र जडेजा 5 मैचों में 6 विकेट ले चुके हैं। एशिया कप के टॉप गेंदबाजों में भले ही भारतीय टीम के 2 गेंदबाज ही शामिल हैं, लेकिन टीम जिस तरह पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ एकजुट होकर गेंदबाजी करती हुई नजर आई, ये टीम कभी भी किसी को भी धराशायी कर सकती है। हालांकि आंकड़ों में श्रीलंकाई गेंदबाज भारतीय टीम से एक कदम आगे हैं। मथीशा पथिराना ने 5 मैच में 11 विकेट लिए हैं। दुनित विला लागे ने 5 मैच में 10 विकेट लिए हैं। महेश तीक्ष्णा ने 5 मैच में 8 विकेट चटकाए हैं। दोनों टीमों ने करीब करीब एक जैसा ही प्रदर्शन किया है। ऐसे में फाइनल की जंग दिलचस्प होने वाली है, लेकिन यहाँ की पिच क्या कहती है ये भी समझ लीजिए। प्रेम दासा की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार रहती है, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा यहाँ पर होता है।
दूसरी पारी में गेंदबाजों को यहां पर मदद मिलती है। ये वही पिच है जिस पर श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए थे। ऐसे में एक बार फिर कुलदीप यादव कमाल कर सकते हैं, तो वहीं जडेजा को भी इस पिच से मदद मिल सकती है। आंकड़े कहते हैं कि दोनों टीमें जब कहा कि श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। जी हां, टॉस हो चुका है और श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया है। भारतीय टीम पहले बॉलिंग करेगी, श्रीलंकाई टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और दूसरी इनिंग में भारतीय टीम रन को चेस करेगी। जिस तरीके से पूरे एशिया कप में श्रीलंका और भारत के प्रदर्शन पर हम नजर डालें, दोनों ही टीमों ने शानदार खेल दिखाया है और उम्मीद है, क्रिकेट फैंस को ये उम्मीद है कि फाइनल मुकाबले में एक कड़ी टक्कर, एक कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिला था। क्योंकि इससे पहले जब मैच हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप में ही, तब हमने देखा था कि श्रीलंका की टीम एशिया कप में अच्छा खेली थी। पिछले मैच की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा मुकाबला हमने जीत लिया था, शानदार मैच दोनों ही टीमों के बीच हमें देखने को मिला था और फाइनल में भी उम्मीद क्रिकेट फैंस यही करेंगे कि कांटे का मुकाबला फाइनल में देखने को मिले। अपडेट यही है, श्रीलंका ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, मतलब भारतीय टीम चेस करेगी, रन को चेस करेगी, रन का टारगेट का पीछा करेगी। और पॉजिटिव पॉइंट हम देख रहे हैं तो हमारे पास चेस मास्टर है, मतलब विराट कोहली, जो रनों का पीछा करने में माहिर हैं। सबसे ज्यादा शतक उनके वनडे में रनों का पीछा करते ही लगाए हैं उन्होंने। एक अच्छी बात यह है, केएल राहुल भी शानदार फॉर्म में है, कुलदीप यादव जो कि वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के ट्रंप कार्ड कहे जा रहे हैं, तुरुप का इक्का कहे जा रहे हैं गेंदबाजी में, वो भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे एशिया कप में। देखने वाली बात होगी कि भारतीय टीम कितने स्कोर तक, कितने रनों पर श्रीलंकाई टीम को रोक पाती है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन टॉस जीता श्रीलंका ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। क्या कुछ माहौल है फाइनल की जंग को लेकर, वो हम जानेंगे। अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, फिलहाल इंदौर से मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आज फाइनल की जंग, एशिया का किंग कौन होगा पता चल ही जाएगा, क्या कुछ माहौल है इंदौर में मिथिलेश? देखिए फिलहाल इस वक्त मेरे साथ क्रिकेट फैंस ही मौजूद हैं और उनसे पूछ लेते हैं, हालांकि इस बार क्रिकेट फैंस हमारे साथ कम मौजूद हैं क्योंकि इंदौर में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश का दौर भी जारी है, मूसलाधार बारिश इंदौर में रही, इसकी वजह से इंदौर की जो सड़कें हैं वो खाली हैं, सुनसान है और आज का दिन जो है वो काफी खास भी है क्योंकि आज के दिन भारत और श्रीलंका के बीच में फाइनल की जंग है। भारत श्रीलंका के बीच में आज फाइनल का रोमांचक मैच होने वाला है। श्रीलंका ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। बिल्कुल सही किया है, अभी हम डिफेंस करेंगे और बहुत अच्छी हमारी टीम चल रही है और सब कुछ परफॉर्म अच्छा चल रहा है। हमारे जो रोहित शर्मा और विराट कोहली और जितने भी खिलाड़ी हैं बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और हम इस बार रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, 7वीं बार एशिया कप जीतने वाले हैं और हम बहुत अच्छे रनों से जीतेंगे और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रहेगा हमारा आज का और हम जीतेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्या लगता है किसका आज का पलड़ा भारी रहने वाला है भारत की तरफ से? भारत का ही रहेगा, कमल्स की 5 बार जीती हुई है और जीतेगी इस बार भी श्रीलंका के साथ। क्या लगता है कि आज बुमराह कितना विकेट लेने वाले हैं, शुभमन गिल या रोहित शर्मा, किसका आज सेंचुरी होगी? आज सेंचुरी का चांस तो ज्यादा गिल का है क्योंकि गिल ने लास्ट टाइम भी सेंचुरी मारी है तो इस बार भी 100% सेंचुरी इसी का ही लगना है। और बॉलिंग की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है? बुमराह बेस्ट है। कुलदीप भी लेना है, 2 विकेट कम से ये है उसका पक्का। क्या लगता है कि इस बार सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन होगा आज फाइनल में? मुझे लगता है सबसे बेहतर खिलाड़ी होगा रोहित शर्मा क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और अधिकतर बड़े मैचों में खेलते हैं वो, मतलब जैसे कि आज फाइनल है तो सेंचुरी उनका पक्का है। और अगर बॉलिंग की माने जाए तो बॉलिंग में कुलदीप के 4 या 5 विकेट पक्के हैं। ऐसा कुछ लगता है कि आपको पिछला मैच जिस तरीके से बांग्लादेश से भारत हार गई है, क्या कुछ दबाव? कुछ भी दबाव नहीं है,
वो तो उनपे तो नए खिलाड़ियों को ट्राई करा था और पॉजिटिव थिंकिंग से ही खेले थे और आखिरी लास्ट ओवर तक बुरा मैच गया था। अब वो लास्ट में विकेट नहीं बच पाए तो उसका कोई दबाव नहीं रहेगा, पर ये फाइनल इंडिया जरूर जीतेगा। कि पहले बल्लेबाजी श्रीलंका कर रही है, 200 150 250 क्या लग रहा है क्या? इतना भी बने, 250 भी बनेगा तो भी इंडिया आराम से चेस कर लेगा, क्योंकि विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है और हार्दिक पांड्या भी है जो सीनियर प्लेयर है, तो ये आराम से इतने रन चेस कर लेंगे। तो फिलहाल जो भी स्कोर होगा भारत चेस कर लेगा और बुमराह और कुलदीप पर लोगों का ज्यादा भरोसा नजर आया बॉलिंग में। और बैटिंग अगर बात की जाए तो सुमन गिल और रोहित शर्मा, विराट कोहली, तीनों सुपरस्टार खिलाड़ी को लेकर जो फैंस, उनका कहना है ये तीनों खिलाड़ी आज बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मिथिलेश, अगर हम भारतीय टीम पर नज़र डालें फाइनल के लिए जो प्लेइंग 11 है उस पर हम नज़र डालें तो मैं देख पा रहा हूं कि एक बदलाव है, उस पर बदलाव पर हम बात करेंगे मिथिलेश आपसे। लेकिन एक और संवाददाता सुजीत शाह जुड़ गए हमारे साथ। सुजीत, क्या कुछ माहौल है फिलहाल फाइनल मुकाबले को लेकर, क्योंकि श्रीलंका ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करेगी श्रीलंका, भारतीय टीम चेस करेगी स्कोर को, लक्ष्य का पीछा करेंगे, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, एशिया का किंग कौन होगा इसका आज निर्णय होगा और ऐसे में एशिया की तमाम टीमें जो है एशिया कप जो चल रहा है उसमें खेल रही थी, अब अंतिम जो है फाइनल मैच होना है। ऐसे में भारत और श्रीलंका दोनों ही टीम फाइनल पहुंची है और बात करें एशिया कप का दबदबा का तो भारत 7 बार एशिया कप जीती है, वहीं श्रीलंका 6 बार जीती है और पाकिस्तान 2 बार। ऐसे में श्रीलंका और भारत का जो मैच है वह श्रीलंका की जो युवा टीम है वो 6 बार जीत के साथ 7वीं बार जो है खिताब जीतने का के लिए मैदान पर उतरेगी, वहीं भारत दबदबा कायम करने के लिए एशिया कप में 8वीं बार खिताब के लिए दावेदारी के लिए उतरेगी। आपको बता दूं पिछला मैच जरूर भारतीय टीम का निराशाजनक प्रदर्शन रहा और हार का सामना करना बांग्लादेश की टीम से, लेकिन बेंच स्टैंड उन्होंने इंडिया टीम ने अपनी बेंच स्टैंड जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसको लेकर टीम उतारी थी, जिसको हार का सामना करना था, काफी निराशाजनक प्रदर्शन भी था, लेकिन फिर से अब जो ये टीम है वह फिर से वापसी करेगी, वापसी करना जानती है। ऐसे में भारतीय टीम फिर एक बार सभी की उम्मीदों को खड़ा उतरना चाहेगी और प्रदर्शन पर अपना दौरा हमारे पीछे देख सकते हैं, तमाम जो है यहाँ पे क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट के जानकार भी हैं, ऐसे में उनसे जानते हैं किस तरह से आज भारतीय टीम प्रदर्शन करेगी और किस खिलाड़ियों को आपका जो है प्रदर्शन की उम्मीद है बताएंगे। इंडिया टीम बहुत ही अच्छा खेलेगी, मेनली शुभम गिल है, सुमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और बुमराह है और वो यादव है, कुलदीप यादव है, जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की है पूरे सीरीज में, तो निश्चित ही हमारी इंडिया टीम इस एशिया कप को जीतेगी और 8वीं बार का खिताब जीतकर अजय बढ़त बनाएगी। देख सकते हैं तमाम जो दर्शक हैं यहाँ मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कैसा लगता है आप क्रिकेट प्रेमी के रूप में आज जो भारत एशिया कप फाइनल में उतरेगी, क्या उम्मीदें हैं आप लोग की? जी निश्चित रूप से आज हमारे ही दबदबा रहा है क्योंकि लास्ट मैच में भले ही हम बांग्लादेश से हारे थे लेकिन बेंच स्ट्रेंथ आपने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, क्योंकि आज विराट कोहली से काफी उम्मीद है कि आज उनसे शतक लगेगा और निश्चित रूप से इंडिया 8वीं बार इस खिताब को अपने हासिल करेगी। देख सकते हैं विराट कोहली के फैन है वो शतक की उम्मीद कर रहे हैं और हमारे साथ है, क्या क्या लगता है आज कौन सी जो है टीम प्रदर्शन कर, श्रीलंका है, युवा टीम है, भारतीय टीम है, किस पर किस खिलाड़ी के ऊपर आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन करेंगे? निश्चित ही सबको पता है कि टीम इंडिया ही विजय प्राप्त करेगी, जैसे कि हमें पता है कि टीम इंडिया हमेशा से अच्छा स्टार्ट देने में हमेशा सफल रही है। हम जानते हैं जैसे कि बॉलिंग ऑर्डर में हमारे मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह आदि और भी बॉलर है जो अच्छा स्टार्ट देते हैं और बैटिंग ऑर्डर में तो हमें पता ही है पिछले मैच का इंडिया विराट कोहली दिया था, तो जो देख सकते हैं जो दर्शक है उनके काफी उत्साह है और श्रीलंका में मैच हो रहा है, ऐसे में यह वही पिच है जो पिछले बार कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए थे और श्रीलंका के जो स्पिन गेंदबाज है उस पर नजर रहेगी, जो युवा स्पिन गेंदबाज है पिछली बार 5 विकेट के साथ इंडिया के तमाम जो अनुभवी बल्लेबाज उनको धराशायी किया था, ऐसे में फिर से यह जो मुकाबला है वो स्पिन गेंदबाजी पर टिका होगा क्योंकि भारतीय टीम जो है वह अब बल्लेबाजी को लेकर काफी ज्यादा जो पिछले मैच में निराश किया है इस मैच में देखना यह होगा कि ये युवा जो श्रीलंका की टीम युवा है और उसको स्पिन गेंदबाजी जो पिछले स्पिन के जाल में भारतीय टीम के जो बल्लेबाज फंसे थे वह इस बार किस तरह से प्रदर्शन करेंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर की बात करें तो केएल राहुल की वापसी के बाद कहीं ना कहीं भारतीय टीम की जो टीम ऑर्डर है उस पर कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करती है और वह पाकिस्तान के जो टीम के खिलाफ जो शतक के बाद काफी ज्यादा उनसे भी उम्मीदें हैं। और बात करें ऑलराउंडर की तो उसमें
रविंद्र जडेजा हो या फिर अक्षर पटेल या फिर हार्दिक पांड्या, ये तीनों ने अच्छे प्रदर्शन किए हैं, लेकिन फाइनल में इनसे बड़े प्रदर्शन की उम्मीदें होगी भारतीय टीम को और पूरे भारतीय वासी को। ऐसे में एशिया कप का जो बड़ा मुकाबला, एशिया किंग कौन होगा और एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी कौन उठाएगी, वर्ल्ड कप से पहले ये बड़ा मुकाबला भारतीय टीम के लिए और भारतीय टीम के जितने भी चाहने वाले हैं वो चाहते हैं कि आज जो है एशिया कप भारतीय टीम जीते और वर्ल्ड कप के लिए एक मनोबल लेकर के भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लेकर आई। जी निश्चित तौर पर बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ियों से ही उम्मीद की जानी चाहिए और आज भी पूरा भारत हमारे बड़े खिलाड़ियों से ही उम्मीद कर रहा है, खास खिलाड़ियों से ही उम्मीद कर रहा है कि अच्छा प्रदर्शन करे और फाइनल जिताए भारत को। मिथिलेश आपके पास लौटता हूं मैं, एक बड़ा बदलाव, शार्दुल ठाकुर खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो इस मैच में नहीं है, अक्षर पटेल खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ, वो इस मैच में नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर की टीम में एंट्री हुई है, मतलब एक और स्पिनर भारतीय टीम ने खिलाया है। प्रेम दासा पिच की हम बात करें तो स्पिनर्स को ये पिच मदद करती है, एक अच्छा फैसला हम कह सकते हैं, सोच एक अच्छी रोहित शर्मा की टीम मैनेजमेंट की कि वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया है। अब देखने वाली बात होगी ये फैसला कितना सही साबित होगा, लेकिन एक बदलाव जरूर हुआ। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जो एक बदलाव हुआ है वाशिंगटन सुंदर को लेकर, वाशिंगटन सुंदर जो तेज शॉट भी लगाने में माहिर है, खासतौर पर अगर उनकी बॉलिंग की जाए तो जिस तरीके से उनकी गेंद रन लेती है, इस पिच पर जहां पे कोलंबो में मैच होने जा रहा है वहां पर ये स्पिन को काफी मदद मिलने वाली है, इसलिए एक बड़ा बदलाव किया गया। और जिस तरीके से हमने बांग्लादेश का मैच, भारत और बांग्लादेश का हमने देखा तो स्पिन के जाल में भारतीय खिलाड़ी फंस गए, तो कहीं ना कहीं से इन सब चीज को देखते हुए रोहित शर्मा जो कप्तान, उन्होंने बड़ा बदलाव किया। लेकिन देखिए अब हमारे पास में बेहतर खिलाड़ी है, सुमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, हार्दिक पांड्या है, ईशान किशन है और केएल राहुल, तो सारे जो खिलाड़ी हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक अगर एशिया कप के मैच की बात की जाए तो सबसे सफल टीम भारतीय टीम है, उसके बाद श्रीलंका है, और आज दोनों ही टीमों के बीच में एक महामुकाबला होने जा रहा है या एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, एक फाइनल की जंग भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है रोहित शर्मा पर, क्योंकि बड़े मैच के वो खिलाड़ी हैं और जब भी अक्सर बड़ा कोई मैच होता है तो रोहित शर्मा से उम्मीदें सबसे ज्यादा होती है, तो जब वो ओपनिंग आएंगे देखने वाली बात होगी किस तरीके से स्टार्ट लेते हैं। हालांकि कुछ और भी लोग उनसे यहाँ पे मौजूद, उनसे बात करते हैं। आज एक बड़ा बदलाव भी किया गया है, वाशिंगटन सुंदर को लाया गया है स्पिन गेंदबाजी के लिए, और पटेल के लिए अक्षर पटेल के एच में इंजरी के कारण वाशिंगटन सुंदर को लिया गया है। एशिया कप हमारे लिए बहुत बढ़िया है, आगे का वर्ल्ड कप मैच होने वाले हैं, आज का परफॉर्मेंस रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईशान किशन, केएल राहुल पर डिपेंड रहेगा पूरा जो मैच, पर श्रीलंका होम पिच के होने के कारण थोड़ी सी भारी लगती है, लेकिन इंडिया सबसे भारी है, भारत माता की जय। सुमन गिल को भी लेकर कहा जा रहा है, जिस तरीके से अभी तक उन्होंने इस पूरे परफॉर्म किया है वो हमारे आगे आने वाले कप्तान होंगे और बहुत बेस्ट बैटिंग करते हैं सर वो। अच्छा, और बुमराह और कुलदीप से कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि अब पहली बैटिंग श्रीलंका की है। बुमराह और कुलदीप तो भैया शुरू के 5 विकेट दोनों मिलकर ले जाएंगे सर, और हार्दिक पांड्या बड़े अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हार्दिक पांड्या बीच में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, मतलब 140 की स्पीड से बॉल डालते हैं वो, उनका परफॉर्मेंस बेस्ट ऑलराउंडर है। राजवाड़ा पे फिर से हम जश्न मनाने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी हमने पिछला मैच देखा था भारत पाकिस्तान के बाद में, तो दीपावली जैसा इंदौर में नजारा नजर आया, कि अलग ही सेलिब्रेशन इंदौर में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो राजवाड़ा पे माहौल बनने वाला है और भारत माता की जय के साथ में जो जश्न होने वाला है उसकी बात ही अलग रहेगी, और आज हम बहुत अच्छे रन से और बहुत अच्छी सारी चीजों से जीतेंगे और भारत माता की जय। आठवां किताब भारत के नाम, किताब भारत के नाम होगा। तो देखिए जो फैंस है उन्होंने कह दिया है कि ये किताब हमारा नाम ही है, और अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में क्रिकेट फैंस का जो सेलिब्रेशन है एक अलग ही नजर आता है, एक अलग ही उत्साह नजर आता है। भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ था, जब भारत मैच जीती तो उसके बाद देर रात तक राजवाड़ा पे आतिशबाजी हुई थी, लोग इंदौर के जो लोग हैं ढोल नगाड़े और भारत में तिरंगा लेकर राजवाड़ा पहुंचते हैं, और क्रिकेट का एक अलग ही जमावड़ा होता है, क्रिकेट का एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है इंदौर के राजवाड़ा पर, तैयारियां भी कुछ ऐसी ही लोगों की, चाहे पानी गिरे चाहे कुछ भी, सेलिब्रेशन तो बनता है, क्योंकि सेलिब्रेशन है भारत की जीत का, भारत के जश्न का, और इंदौरवासी तैयार है उस सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि बस इंतजार है कुछ ही मिनट और का, सभी भारत और श्रीलंका के बीच में कड़ा मुकाबला शुरू होने वाला है। सबसे बड़ा जो इसमें चेहरा है वो सुमन गिल और रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा से खासतौर पर यहां के जो क्रिकेट फैंस इंदौर के उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि बड़ा मुकाबला है रोहित शर्मा का, सबको सेंचुरी देखने को मिलेगा, शतक देखने को मिलेगा, और जिस तरीके से सुमन गिल परफॉर्म
कर रहे हैं तो आज कहीं ना कहीं से शुभमन गिल भी एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं। निश्चित तौर पर पूरे देश को उम्मीद है शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली अच्छा खेलें, बुमराह, कुलदीप यादव अच्छी गेंदबाजी करें और एक बार फिर से भारत एशिया का किंग बन जाए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, दर्शकों का रिएक्शन हम तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से लोग एक्साइटेड हैं इस मैच को लेकर। भारत पूरी तरीके से तैयार है, श्रीलंका पूरी तरीके से तैयार है, हम और आप भी तैयार हैं, बस मैच का इंतजार है। कुछ ही देर बाद मैच शुरू होगा और एक बार फिर से पूरा देश भारतीय टीम से उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार भी एशिया कप भारत ही उठाए। तो हमारी खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।